स्पीकिंग नेचर, आज हम स्पीकिंग नेचर के द्वारा कुछ ऐसी बातें भी बताना चाहते हैं जो लोगों के लिए बहुत ही हितकारी होगी। अभी सर्दियों का आगमन हो गया है तो ऐसा मनस्थिति बनती है कि सर्दियों में ज़्यादा वस्त्र धारण करना और ज़्यादा भोजन करना ज़रूरी है। देखिए, मौसम कोई भी हो, आपको उतना ही लेना है जितना कि आप डाइजेस्ट कर सकें, पहली बात। और वस्त्र भी उतने ही धारण करने हैं जो सहनीय हो, क्योंकि अधिक भोजन और अधिक वस्त्रों से शरीर को ढकने से हम सांस में वायु को ठीक से ले नहीं पाते हैं। ये कॉमन कॉमन सी बातें हैं जो हमें मालूम नहीं है, और कई लोगों को ये नहीं पता है कि उनको लगता है कि सर्दी में तो गरम 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 ही खाना चाहिए। जैसे कई लोग चाय का सेवन बहुत करते हैं या और भी किसी तरीके की गरम चीज़ों में विश्वास करते हैं, घी तेल वगैरह का सेवन करते हैं। भाई देखिए, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको अपने डाइजेस्टिव ऑपरेटर्स को समझकर, अपनी भूख को समझकर ही मौसम की चीज़ों को ही लेना है। कुदरत ने संपूर्ण बनाया ही हुआ है, हर मौसम में ऐसे खाद्य पदार्थ कुदरत ने स्वयं पैदा किए हैं जिसमें कि आपके लिए, जैसे सर्दियों में हमें कार्बोहाइड्रेट की, ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो आपने देखा होगा मीठे जो गाजर वगैरह है, चुकंदर है, ये सब सर्दियों के ही फल या सब्जियां हैं, है ना। तो इनका सेवन भूख के मुताबिक उसी रूप में अगर हम करेंगे तो हमें इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि हाय बहुत सर्दी है या बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो समझदारी से ही इसमें भी काम लेना है, सुबह से शाम तक की अपनी दिनचर्या ऐसी मेंटेन करनी है कि जिसमें कि जो मौसम की चीज़ें हैं, जो पत्तेदार हैं, हैं फ्लैश वाली हैं, फ्लैश का मतलब जब फ्लैश आता है तो कई बार ये लगता है कि हमें अंडे मांस मछली भी खाने चाहिए। भाई विंटर है, बहुत से लोग इसका भी सेवन करते हैं। यूं तो करने वाले आम तौर से प्रोटीन की लालच में करते हैं, पर वो ये नहीं समझते कि सब चीज़ों का व्यवसाय है, है ना। अगर हम इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करेंगे, जैसे कि मैं अंडे की ही बात करती हूँ, तो उसको प्रवोक किया जाएगा ना, अंडे की ज़्यादा उत्पादन, क्योंकि लोग ज़्यादा ले रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हमें जो कुदरत ने दिया है, कुदरत ने तो पेड़ पौधों से ही जो खाद्य पदार्थ दिए हैं वो मानव के लिए हितकारी हैं। उनका ही सेवन अगर हम भूख लगने पर समझदारी से करेंगे तो हमारे अंदर विचार भी शुद्ध रहेंगे, हमारा मन भी शांत रहेगा और जो खुशी मिलनी है वो भी मिलती रहेगी। तो इस मामले में थोड़ा समझदारी से चलें, सब्जियों का सूप ले लें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, नट्स हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, है, अनाज है। तो इन सब चीज़ों को ही अपनी भूख के मुताबिक, अपनी एज के मुताबिक, अपनी दिनचर्या को बनाकर लेना अगर शुरू करेंगे तो इनसे आप हेल्दी रहेंगे, हल्के फुल्के और फुर्तीले रहेंगे, और क्या चाहिए। इतना ही, तो धन्यवाद।